राम राम भाई, सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री आपके सामने हाजिर। सात दिन सात रात लगातार अपनी चलेगी कार चैलेंज में। आज बात करेंगे तीसरे दिन के बारे में, जो कि कल तीसरा दिन चला गया। आज जेन्युइनली तौर पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो और ये मैं शूट कर रहा हूँ, ये चार नंबर दिन है और बारिश हो रही है भाई। करोल बाग में ही खड़ा हूँ जाम की वजह से और काम कंटिन्यू हो रहा है। इसमें कल भी जो कल का दिन जो चला गया उसमें मैंने 1800 रुपये का तो काम करा था भाई ऊबर में, 1000 रुपये का काम करा मैंने उसमें रैपिडो में, और करीब करीब 600 रुपये का काम मैंने करा था ओला में, और एक रेंटल ड्यूटी थी जो कि कैंसिल हो गई थी किसी कारणवश से, तो उनको डायरेक्ट करा था। तो पैसे की बातें अभी कोई नहीं करनी, पैसे की बातें सारी सबूत के साथ दिखाऊंगा आपको संडे वाले व्लॉग में, जो कि लास्ट होगा उस दिन, वरना संडे को आए या मंडे को आएगा। तो भाई अभी क्यों आपके सामने आया, इसका मेन रीजन है, सारे भाई बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे, कुछ उनके मन में क्वेश्चन होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैं नहीं कोई इसमें पहला ही इंसान हूँ दिल्ली में, और बहुत सारे भाई हैं जो कि अपना घर छोड़ कर पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मगर मैं, मेरा दिल्ली में घर होते हुए अपने घर के चारों तरफ, और एक बात और भाई, जब से ये शुरू करे है ना चैलेंज, जब से सारी ही बुकिंग तो पंजाबी बाग नारायण और मोती नगर की तरफ ही आ रही है कि मैं घर पहुंच जाऊं कैसे न कैसे, पर वो तो बात ही खत्म हो चुकी है, संडे को बात करेंगे घर की। तो भाई काम, हाँ असली पॉइंट तो रही गया, सब भाइयों के मन में क्वेश्चन होगा, खाना हो जाएगा, वॉशरूम हो जाएगा, नहाने का कैसे, तो ये भी समस्या आपकी दूर कर देता हूँ भाई। जो कनॉट प्लेस में वॉशरूम होते हैं ना, उन्हीं में नहाने का भी रहता है, 10-20 रुपए जो आपकी इच्छा हो वो उनको दे दो, आप नहा सकते हो। रोज नहाना कौन सा मेरे लिए जरूरी है, मैंने तो अभी बारात चढ़ना है, नहाना ही नहाना है, एक दिन छोड़ के नहा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है किसी प्रकार से, 24 घंटे तो एसी में तो रहना ही है। तो भाई खाने की समस्या नहीं है किसी प्रकार की, मगर खाने के बाद जो समस्या आती है उसका इश्यू रहता है, क्योंकि आप घर पे जाते हो, घर पे रहते हो तो बड़ा आसान रहता है, मगर यहाँ तो भाई हमेशा बाहर की जगह देखनी है, तो इसलिए खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल, ताकि भाई जाने के लिए कम समस्या आए। तो इस तरीके से भाई काम हो रहा है, खाने की होटल्स की कोई कमी नहीं है, नहाने की बताया मैंने, सीपी साइड में जितने वॉशरूम हैं सभी में नहाने की व्यवस्था है, और जाने की तो है ही, वो बने ही इसलिए हैं। और काम रही काम की बात, जो भी भाई ये बोल रहे ना ओला उबर में मर गए हैं, बर्बाद कर दी हैं ओला उबर ने, या तो भाई मेरे तक फिटा दो, या संडे को जो व्लॉग आएगा उसमें दिखाता हूँ क्या काम है क्या नहीं है। और बहुत सारे भाइया के भी मेरे पास नंबर हैं ऐसे, जो कि मुझसे भी बहुत बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जिनसे मैं बात करता हूँ, तरीके देखता हूँ भाई वो कैसे कर लेते हैं, इतने पूछता हूँ कैसे काम होता है, तो ऐसे भाई किसी प्रकार की कोई भी समस्या है नहीं। ओला उबर में मेरी गारंटी है काम की कोई समस्या नहीं है, और बाकी आप तो कर ही रहे हो। और आज तो जैसे बारिश बारिश का टाइम, इस टाइम तो रेट भी अच्छा मिल रहा है, हाँ जाम में फंसा है वो एक अलग मैटर है, ड्यूटी आनी बंद नहीं हो रही है। संडे को मैंने चालू करा था, जब भी आपको खाना है या और कोई काम है, सोना है, डिवाइस आपको बंद करनी पड़ेगी, ड्यूटी आना बंद नहीं होती। कल द्वारका में थोड़ा सा इश्यू रहा था सोने की बात, भाई सोने की बात ऐसे 12 बजे के आसपास सोता हूँ, 3-3 बजे एयरपोर्ट की ड्यूटी बजती है तो उठता हूँ। पहले दिन में सोया रजौरी गार्डन में, दूसरे दिन सोया मैं मंगेश भाई ने एक बुकिंग दी थी रात को, ग्रेटर नोएडा पहुंचा था तो ग्रेटर नोएडा में सोया, और कल मैं सोया द्वारका में। तो जहां सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी देखनी है, कहां आपने सोना है, किस तरीके से आपने सोना है, सारे भाई खुद समझदार हो, ऐसे नहीं भाई कितो गाड़ी लगाई रुड़े पड़ के सो गए। कल तो मैं कोई उत्तर प्रदेश हाउस था, उनका कोई गेस्ट था, उनको छोड़ने गया था, तो उनसे बात करके उन्हीं की पार्किंग में लगा के सो गया था।
तो भाई थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़े, क्योंकि रात में भाई खतरा तो है ही दिल्ली का, सारे भाइयों ने बेरा ही है, क्या क्या माहौल चल रहे हैं दिल्ली में ड्राइवर के प्रति। काम की समस्या नहीं, अभी तो चौथा ही दिन हुआ है आज, अगर ये वीडियो तो 3 दिन तक का है, अब मैं शूट कर रहा हूँ चौथा दिन है, अभी तो 4 दिन और हैं, संडे तक चलेगा काम, खींच दो भाई। कुल मिला के बात ये है, अभी तक तो ये भी था मेरे को, अब लग रहा है भाई झूठी बोल रहे, क्योंकि मैं बहुत कम समय के लिए पीछे गाड़ी चला रहा था। हाँ, इसमें एक ये और एक बीच में क्वेश्चन आया था, भैया आप कर सकते हो, आपके पास बाहर का काम रहता है, वो भाई बाहर का काम भी ये भी बनाएगा जब ओला उबर में ढोओगे, ये सारे पैसेंजर बाहर वाले ही ओला उबर के ही हैं, जो बाहर जाते हैं और मेरे को फ़ोन कर लेते हैं, सब थोड़ी ना करते हैं, कोई कोई करता है, तो मगर ओला उबर में चलाओगे तो ही बाहर का भी काम भाई मिलेगा। और बात ये है, काम मिलना चाहिए चाहे ओला से आए, उबर से आए, रैपिडो से आए, इन ड्राइव से आए या प्राइवेट आए, प्राइवेट भी कब बनेगा, अभी तो यार 3-6 महीने साल हो आपको गाड़ी लिए होया होगा, बहुत सारे भैया ने और पुराने तो हैं ही, उनके पास तो अपना काम है ही, तो रुको थोड़े दिन, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए भाई ये वीडियो बनाया था, भाई सोच रहे होंगे तीसरे दिन की अपडेट आई नहीं, ये अपडेट है, काम के सारे स्क्रीनशॉट के साथ लास्ट वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा भाई डेट वाइज। तो मिलेंगे कल, आज तो काम हो ही रहा है चौथे दिन, सारे भाई भाई काम खींचते रहो, काम में कोई समस्या नहीं है, बुकिंग पे बुकिंग, बुकिंग पे बुकिंग, 4 ऐप इकट्ठे खोल दो, इन ड्राइव पे तो हमेशा 10 ड्यूटी पड़ी रहती है, वो 3 ऐप पे भी ड्यूटी रुकती नहीं है। तो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में, भाई को दे इजाजत, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद जय भारत।